हेलो गाइस, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग HT रिएक्ट्स। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके? ठीक ठाक हैं उम्मीद करता हूँ, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो वैसे तो वीडियो थोड़ा पुराना है, और पुराना तो नहीं कह सकते, 15-20 दिन पहले का है, लेकिन मेरी आदत है जनाब के जो भी ओरिजिनल क्रिएटर होता है या जिसके चैनल से भी वीडियो होती है, मैं एटलीस्ट उसे 2 हफ्ते नहीं छेड़ता था। तो हम आते हैं जनाब टाइटल पे वीडियो के। उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि जनाब फ़र्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करें, पहले से मौजूद हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें। तो वीडियो का टाइटल है जी सारे जहां से हैं, अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जामिया आरफिया। और जहां तक मेरा ख़्याल है या जितना मुझे पता है, शायद ये नज़्म जो थी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी थी, और उसके बाद फिर अल्लामा इकबाल ने ही दो कौमी नज़रिया भी दिया था। तो बहरहाल अल्लामा इकबाल तो चले गए, अब क्या कर सकते हैं। शुरू करते हैं जी, वीडियो देखते हैं, समझते हैं, फिर कोई कमेंट करेंगे। 3, 2, 1 एंड गो। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस। उधर से कहीं हैं सारे। जामिया आरफिया अलाहाबाद। छोटे छोटे बच्चे पूरा, मतलब एक जो होती है लाइन बना के असेंबली टाइप। और शायद बिल्डिंग भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई ब्लॉक बन रहा होगा नया। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होगी, जैसे यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस ऑर्गेनाइजेशंस में होती है 14 अगस्त को। दफ भी रखी हुई है भाई, म्यूजिक का टच भी होगा। वैसे नज़म तो ये मैंने सुनी हुई है, लेकिन इसमें एक अलग जो है ना, एक टच के साथ पेश की जा रही है। हमारे यहाँ असम्बलीज होती थी ना, उसमें कहा जाता था छोटे बच्चे आगे खड़े होंगे, हाइट वाइज खड़े होने। गुरबत, गुरबत मीन के प्रदेश। एहसान चैनल का नेम है शायद। पर्वत में सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा। इंडिपेंडेंस सेरेमनी ही है। हमारा सारे जहां से अच्छा।
गज़ल स्टाइल में ही इसको गाया जा रहा है, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने लिखा भी गज़ल स्टाइल में ही था। दौरे जहां तो पीछे वाला बड़ा एंजॉय कर रहा है, ये चार गा रहे हैं ना, इनके पीछे एक खड़े कैप में, उसका दिल कर रहे हो खुद आज। महरम साथी, क्या बात है भाई, इकबाल की शायरी एक अलग लेवल पे ही है। अपना टच दी है। ओहो हो जनाब, सबने बड़ा ही बेहतरीन जो है वो रिस्पांस भी दिए, और जब ये चल रहा था तो हमने एक पेज भी ओपन कर लिया ताकि हम थोड़ी सी डिटेल वहाँ से भी पढ़ लें। तो जनाब, सारे जहाँ से अच्छा, जिसको उर्दू में लिखा गया है, और तराने हिंद भी इसको कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने लिखा था 1904 में, 16 अगस्त 1904 को, और मतलब लिखा 16 अगस्त 1904 में, पब्लिश हुआ था, और उसी साल में ही
उन्होंने जो है इसको एज अ एक किसी महफिल में पढ़ा भी था। द सॉन्ग बांग्लादेश, हाँ 1924 में बांगे दरा जो थी उनकी किताब, उसमें पब्लिश भी हुआ था। तो जनाब आप देख सकते हैं कि वही अल्लामा इकबाल, क्योंकि देखें ना उस टाइम पे जब मतलब 90s स्टार्ट हुए थे, 1901 से ऑनवर्ड, तो जिस वक्त ये जिना इकबाल, गांधी साहब, ये सब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने शुरू हो गए थे, तो उस वक्त सबका एक ही गोल था कि जनाब जो हिंद है उसको आज़ाद करवाने। उस वक्त किसी के माइंड में नहीं था कि हिंद को आज़ाद करवाने और अपने अपने लिए मुल्क बनाने, या तुम इधर हम इधर वाला कोई कंसेप्ट नहीं था। वो तो बाद की आप ये समझ लें कि एक मूव था ब्रिटिश राज का कि जनाब इनको जो है ना रिलीजन पे लड़ाना शुरू कर दो, कि वो लोग जो 800-900 साल से इकट्ठे रह रही हैं वो फिर रिलीजन के नाम पे जो है वो ऐसा लड़े कि उसका हमने रिज़ल्ट देखा कि जनाब विद इन 30-40 ईयर्स ये पूरी जो जनाब पूरे के पूरे एक हम कहें कि मूवमेंट थी, ये आज़ादी हिंद से कन्वर्ट होकर सेपरेट कंट्रीज़ में कन्वर्ट हो गई। बहरहाल आगे देखते हैं जनाब आगे क्या लिखा है। रिमेन पॉपुलर बट ओनली इन इंडिया। अच्छा, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन जो है वो फ्रीक्वेंटली एज अ पेट्रियोटिक सॉन्ग जो है वो आर्म फोर्सेस के लिए भी है। ठीक है ठीक है ठीक है। आगे ट्रांसलेशंस दी गई हैं। कंपोजिशन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जनाब, लाल हरदयाल, ठीक है, उन्होंने बनाई थी। और जनाब लेटर डेट ईयर ही लेफ्ट फॉर यूरोप फॉर 3 ईयर्स एंड ट्रांसफॉर्म हिम इनटू एन इस्लामिक फिलोसोफर। ओके जब यूरोप इकबाल गए थे तब वो ज़्यादा इस्लाम की तरफ हो गए थे। ओके जी, और बाकी जो है ना ट्रांसलेशन ही थी संस्कृत स्क्रिप्ट में। तो जनाब बात तो वही हम कर रहे थे ना कि देखें एक वो टाइम भी था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन हिंदुस्तान के रहने वाले सब ये चाहते थे कि हिंदुस्तान आज़ाद हो। और फिर एक वक्त वो भी आया कि जनाब वो लोग जो साथ साथ नेबर थे, पड़ोसी थे, वही जो है ना एक अजीब ही मंज़र था जनाब 47 का। हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते गए हैं कि जनाब क्या हुआ था, तो और कैसे मतलब वायलेंस एकदम ही शुरू हुआ था। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ वहीं से हो रहा था, यहाँ से भी हो रहा था। और सिर्फ वही उस चक्की में पिस गए जो या पाकिस्तान से निकले थे इंडिया जाने के लिए या इंडिया से निकले थे पाकिस्तान आने के लिए, वो बेचारे पिस कर रह गए। दुनिया की सबसे बड़ी माइग्रेशन थी ये। बहरहाल जो हो गया सो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। गुज़रा वक्त वापस तो नहीं आता, लेकिन आने वाला तो बेहतर हो सकता है ना, ऐसे है कि नहीं। तो आने वाले वक्त की हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। बाकी जनाब कोशिश तो कर सकते हैं आप, हो ना हो वो और बात है, कोशिश अपनी तरफ से दिल मुतमिन रहता है ना, कोशिश की थी, कुछ हिस्सा डाला था हमने भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।